हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आजम के लिए अखिलेश की लड़ाई जारी। बीजेपी से पंगा लेने के लिए अखिलेश तैयार। भंवर में फंसे आजम को बचाकर रहेंगे अखिलेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी की रणनीति पर चोट करने की पुरजोर कोशिश में जुट गए हैं। वो हर उस मुद्दे को गंभीरता से उठा रहे हैं जिसकी वजह मोदी और योगी सरकार है। आजम पर जितने मुकदमे दर्ज हुए उसके लिए अखिलेश इन्हें जिम्मेदार मानते हैं। अखिलेश यही नहीं रुकते हैं, रामपुर में सरकार के बिना सारे प्रशासन इतना अन्याय नहीं कर सकता है। जब आज हमें पहुंचना है रामपुर में तो सोचिए रामपुर में क्या केस लगे हैं, या बकरी चोरी के, या और छोटे छोटे सामान चोरी के, इससे पहले भैंस का चोरी का आरोप और कई आरोप ऐसे जिनका कोई जनाधार नहीं, जिनका कुछ नहीं, उसके बाद प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, या नेताजी पे एक रात में इतने केस लगे, या आज समाजवादी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता आजम का साफा लगे। और उनका दोष इतना ही है कि अगली पीढ़ी का भविष्य बेहतर हो इसके लिए उन्होंने काम किया। चिन्मयानंद पर भी आरोप, यूनिवर्सिटी जो बनाई वो अगली पीढ़ी बेहतर होगी, अगली पीढ़ी का भविष्य अच्छा होगा। उनके खिलाफ लगातार साजिश चल रही है, समाजवादी पार्टी जनता उनके साथ है। हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से न्याय मिला है वहाँ पर भविष्य में भी हाईकोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। और जहाँ तक हमारे पत्रकार साथी सवाल पूछते हैं, सोचो कैसा समय है, एक जिला जहाँ पर प्रशासन बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, और बगल में ही जिला जो है वहाँ पर प्रशासन पीड़िता के परिवार पर दबाव बना रहा है। एक ही सरकार और सुना है कि हमारा पुतला जलाया है उन लोगों ने। अरे हमारा पुतला क्यों जलाया उन्होंने? नोटबंदी में जाली नोट पकड़ने थे, अब तो सबसे ज्यादा जाली नोट हो गए, नीचे रखो। इसलिए ध्यान हटाने के लिए नौकरी रोजगार व्यापारी के सामने जो संकट है, आज पत्रकार अगर कुछ सच बोलते हैं तो उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो रहा है। यह अखिलेश का लोकसभा चुनाव के बाद आक्रामक होते अंदाज है, जिसके निशाने पर सबसे ज्यादा है तो वो है बीजेपी। आखिर बीजेपी को ही पछाड़कर उन्हें और उनकी पार्टी सपा को यूपी में विकल्प बनना है। राजनीति की नीति यही कहती है, अपने दुश्मन भले ही वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उस पर तब तक वार करो जब तक विरोधी की रणनीति टूटकर बिखर ना जाए। अखिलेश भी शायद यही कर रहे हैं।